अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपने पेट्स जो है ना वो दो दफ़ा खोलेंगे। दो दफ़ा इसलिए खोलेंगे कि 5:15 के टाइम है, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, वो कह रहा है कि मैं 5:15 जो है ना अपनी शॉप पर आ जाऊँगा। हमने हनी बनी और मैक्रोनी को इंजेक्शन लगवाने जाना है क्योंकि इनकी जो स्किन एलर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आइए आज का वीलॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम अपनी लैला मजनू को खोलते हैं क्योंकि इसी केज में जो है ना वो हमारे हनी बनी भी हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना हमारी जो नई वाली फीमेल है ना, ये वाली असील, इसने अंडा भी दे दिया है और आज इसका हमने नाम भी रखना है। इसका क्या नाम रखें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मेरा ख्याल है कि सिम्बा के साथ जो है ना इसका पेयर बन गया हुआ है, इसीलिए इसने अंडा दिया है। तो मैं अभी आपको जो है ना वो अंडा दिखाता हूँ इसका। हनी बनी को घास खिला दें क्योंकि हनी बनी को घास खिलाएंगे तो ये पेट इनका भरा होगा तो डॉक्टर साहब जो है ना वो ठीक तरीके से इनका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। इसको पहले हम डाल देते हैं इधर, घास डाल देते हैं। ये लो भाई, हनी बनी आ जाओ, हनी बनी आ जाओ। बाकी जो है हम इधर रख देते हैं क्योंकि ये ख़राब बहुत ज़्यादा करते हैं। अब बारी है हमारे पिजन्स की, पिजन्स को खोलते हैं। आ जाओ भी, वो देखिए माशाल्लाह जो है ना हमें बाहर से ही बच्चा नज़र आ रहा है, वो देखिए सामने। तो अभी मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। इनका दाना कहाँ पड़ा हुआ है, सबका दाना जो है ना वो एक दफ़ा ही पकड़ लेते हैं। मैं अपना जो सारा दाना और पानी जो है ना इनका यहाँ पे रखता हूँ। ये जो है ना लैला मजनू, ये देखें लैला मजनू जो है ना वो मुझसे रोटी मांग रही हैं। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, पिजन्स भी आ गए। वाओ देखो जरा, वो देखो पिजन्स को भी डाल दूँगा खाना। बाबा देखना, और मैंने आपको एक और बात बतानी थी। वो जो ब्लैक वाला पेयर नहीं, उसने एक और अंडा दे दिया। वो माशाल्लाह एक अंडा दे दिया उसने, और इसकी सूरत हाल ये इतना प्यारा है ना। और इसने कोई भी अंडा नहीं दिया, दिया था वो खराब हो गया था। इसने सील मुर्गी ने आज अंडा दिया था बाबा। दोस्तों, हमने जो है ना अपने पेट्स को दाना डाल दिया है, हनी बनी को घास भी डाल दिया है, और चूँकि 2-3 दिन काफ़ी सर्दी पड़ी रही है तो आज जो है ना इनके पानी में जो है ना थोड़ी सी दवाई मिला देते हैं ताकि जो ना इनकी जो सर्दी थी या नज़ला था जो भी था इनको, वो बीमारी जो है ना इनकी ख़त्म हो जाए। खास का वो शरबत पड़ा बेटा, वो शरबत उठा के लेके आ, वो ईंटों के पीछे ना, वो ईंटों के पीछे शरबत पड़ा, वो उठा के लेके आ। और ये पानी मैं चेंज करूँ, इस पानी में जो है ना मैं दवाई डाल दूँ। हाँ, ये वाली दवाई डाल दूँ मैं, ये पकड़ो। दोस्तों, इसमें थोड़ी सी जो है ना एक डब्बी हम जो है ना ढक्कन इसका इस शरबत का मिला देंगे तो ये सारे पी लेंगे ना हमारे पेट्स, तो इसमें नहीं था जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। बस अब शरबत मिलाते हैं, कफी सी नहीं हो रहा, अब कफी सी नहीं हो रहा, इसको मिलाओ मिलाने डाका या पीलो पीलो। और इसको खोलने लगे हैं। अच्छा। इसकी फीड का कोई पता नहीं है, अलीम कहाँ पे फेंक गया इनकी फीड, समझ नहीं आ रही। ये देखें ये कैसे माशाल्लाह भागते हैं एक्टिव, ये देखें मेरे पाँव में। हाँ, सारे निकल जाते हैं। कलरफुल सिर्फ एक ही
बाकी भी इधर ही हैं। बाबा अभी सिर्फ एक कलरफुल निकला है। इनको भी डाल दे बेटा दाना, इनको इनको भी नहीं डाला अभी दाना। दाना डालो, डाल लोगे? इधर आओ आप, ये वीडियो बनाओ आप, इनको डालो, सबको मैं डाल देता हूँ, ये वीडियो बनाओ आप। हाय हाय, इधर आके बनाऊंगी। अब नीचे वाले कर दो, इनको नहीं डालना है। ये वाला दाना जो है ना इनको डाल देते हैं, ये मोटा दाना खाते हैं, बारीक दाना नहीं खाते। बाबा लड़की का नाम क्या रखा है? लड़की फीमेल होती है, ये देखो वही ठीक है ना। उसका नाम मैंने आपको क्या बताया था? तो हमारी डब ने दोस्तों मुझे लगता है कि बच्चा निकाला हुआ है। मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ, शायद आपको नजर आ जाए। ये देखिए आ रहा होगा, उसको उठाओ तो। नहीं इधर से नजर आ रहा है, आ रहा है ना नजर, उसको फिर उठा के देखते हैं। मुझे लगता है कि इसने ना निकाल लिया एक बच्चा, एक बच्चा माशाल्लाह निकाल लिया, और दो अंडे पड़े हुए हैं अभी। अब देखते हैं वो दो अंडे जो हैं इसके वो हैच होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि इसमें पहले डाल पहले निकाले हुए हैं इसने अंडे। पहले इतनी इनकी फीड पड़ी होती है, खाते हैं नहीं है। दोस्तों जैसे ही मैं मिनी फौज को खोलता हूँ ना तो चीलें आना शुरू हो जाती हैं। ये देखें अभी इधर से आएगी, मैंने भगाया उसको, उस वक्त कैमरा ऑन नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये मिनी फौज की जो है ना वो दुश्मन है। तो अब जो है ना मुझे अच्छा लगता है कि मुझे फौरी जो है ना कल की तरह इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको बंद ना किया तो कोई ना कोई चिक्स जो है ना वो दो तीन उठा के ले जाएंगे। ये देखें फिर आई है, ये देखें ये इसको देखती है मिनी फौज को, मिनी फौज खुली हुई है। ये देखें फिर आई है, वो सामने तीन है बाबा, तीन है। तो अगर इन्होंने हमला कर दिया तो मिनी फौज गई, और मुझे लगता है कि मिनी फौज को ना फौरी बंद कर देना चाहिए। ये कैमरा पकड़ो, मिनी फौज को बंद करना पड़ेगा अब तो। दोस्तों इसकी मैं फीड डाल देता हूँ मिनी फौज की, फीड की वजह मैं इधर डाल दूंगा ना तो कहीं ये भागते हैं। वो एक आ भी गया, एक आ भी गया, बंद कर दो बाबा, जो है ना वो बाकी भी आते हैं भाई। इनको साइड पे करो डक्स को। एक तो नहीं पकड़ी नहीं जाती है मिनी फौज बाबा, है भी इतनी ज्यादा। फिर ना बाहर निकल जाए, ऊपर से डाल, ऊपर से डाल। तो दोस्तों लीम आ चुका है, हम पेट्स बंद करने लगे हैं, और हनी बनी और मैक्रोनी को पकड़ के केज में डाल के उनको लेके जाने लगे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जी हो चुकी है, इनकी स्किन ख़राब हो रही है, बाल उड़ रहे हैं। इनको बंद करके जो है ना डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, फिर जब वापस आएंगे तो फिर बाकी का वीलॉग जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
तो दोस्तों फाइनली जो है ना हम इंजेक्शन लगवा के आ चुके हैं और पेट्स को भी हमने जो है ना दाना पानी कर दिया है, लेकिन अब हम इनको खोलेंगे नहीं क्योंकि रमज़ान में जो है ना अफ्तारी का टाइम हो रहा है। अब जो है ना हम इनको बंद करके नीचे चलते हैं और आज का वीलॉग भी यहीं पर ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीलॉग के लिए। अल्लाह नेकबान एंड गुड बाय।